ही देंगे। तो जैसे जैसे दोस्तों आपने सुन लिया कि चैनों के बारे में अभी हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तो आपको उसके बारे में बताते हैं। जैसे अपने प्लेट होती है, इसमें बोल्ट लगते हैं 4 बोल्ट, ये लूज हो जाती है। लूज होने के बाद में क्या होता है, इसमें जो लिंक लगा हुआ रहता है अंदर की साइड में, वो आपको दिख नहीं रहा है। तो वो क्या है, जो मतलब अपना जगह जो है ना वो छोड़ देता है। अच्छा, जगह छोड़ने के बाद में ये लिंक मतलब पूरी तरह से घिस जाती है। तो इसकी सेफ्टी के लिए हमें एक प्लेट का बोल्ट टाइट करना बहुत जरूरी होता है। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर एक बूश लगता है। अच्छा, तो बूश है, बूश मतलब वो लिंक से जुड़ी हुई रहती है। अच्छा, वैसे आपको दिख नहीं रहा है। हाँ, ये आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर में होती है। तो ये भी मतलब अपना जो जगह है जगह छोड़ देता है। जगह छोड़ने के बाद में यह है कि चेन का जो लाइफ टाइम होता है वो ख़त्म हो जाता है, इसीलिए हमें चेन अब वो टाइट करना बहुत जरूरी होता है। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से लूज पड़ी हुई है। अभी ये मतलब फैलने का पूरा संभावना है, मतलब ख़राब होने का पूरा संभावना है। इसलिए मतलब ये प्लेट है ना तब टाइट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें 4 बोल्ट लगते हैं। और टाइट कैसा होता है ये, और टाइट ये होता है मतलब गोटी हैंडल ले लीजिए, गोटी हैंडल से बढ़िया होता है। और इसमें मतलब जब तक टाइट करिए जब तक इसमें आवाज़ ना आ जाए पूरी तरह से। आवाज़ आने के बाद में ये समझ लो पूरी तरह से टाइट हो गया। तो फिर अपना क्या है कि टाइट होने के बाद में जो अपना जो चेन का जो लाइफ टाइम होता है वो बढ़ जाती है। और दूसरी बात ये है कि अपने चेन है, अपन जैसे अपने देखते हैं कि बूश घिस गया हो, ये लिंक कट गया हो। थोड़ा दिखाओ भाई, बूश कौन सा है? ये बूश है, ये लिंक है। जैसे हम लोग बहुत बार सोचते हैं ऐसे कि यार ऐसे क्यों हो रहा है, काहे हो रहा है ऐसा करके। तो इसमें मतलब जैसे अपन ड्राइविंग करते हैं तो फिर अपन जो मतलब चेन जैसे काटते हैं हम लोग, तो मतलब जैसे नीचे से हम लोग काटते हैं, इसकी वजह से मतलब जो इस पॉकेट ये होता है वो मतलब इसको घिस देता है। अच्छा, घिसने की वजह से ये मतलब लिंक अपना कट जाती है। तो हम लोग मतलब इसको ड्राइविंग करेंगे तो जैसे चेन काटेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा जेकअप करके अगर काटेंगे तो अपना चेन का लाइफ टाइम ज़्यादा बढ़ती है। और जैसे बूश एक साइड अपना ख़त्म हो गया तो इसको हम लोग दोबारा से हम लोग इसको सही कर सकते हैं। इसको क्या होता है कि हम लोग चेन का काम करते हैं तो ये लिंक है ना, लिंक को खोलना पड़ता है। खोलने के बाद में जो बूश अंदर की है वो बूश को पलटना पड़ता है। अच्छा, तो फिर जितना चलता है उतना फिर और चल जाता है। उसके बाद में दोनों तरफ से मतलब छेद हो जाता है, तो फिर इसका एंड हो जाता है। एंड होने के बाद फिर हम लोग इसको 2 बार यूज ले सकते हैं, 3 बार नहीं ले सकते हैं। अच्छा, थोड़ा चैन टाइट करके बताएंगे कैसे इसका बोल्ट टाइट होता है, बताएंगे जरूर। चलो, हाँ, तो हम लोग अब टाइट करें। वीडियो बना देंगे। ये क्या है? ये गोटी है, ये गोटी है। कितना नंबर है? 30 नंबर है। पर इसको इसमें ऐसे डालेंगे, डालने के बाद में फिर इस चेन की बोल्ट दिख रहा है आपको, स्पष्ट दिख रहा होगा, ऐसे डाल दिए। फिर अगर ऐसे हो गए, अभी तो भाई बहुत टाइट है, अभी चल पाई है मशीन, तो अभी ऐसे नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे कि पाइप का यूज करेंगे। अच्छा, पाइप इसीलिए है? हाँ, पाइप इसलिए है, पाइप का यूज करेंगे और ऐसे डाल के इसको हम लोग खींचेंगे। तो ये टाइट हो रही है, ये टाइट हो रहा है। इसमें जब तक टाइट करिए तब तक आवाज़ नहीं आता है। आवाज़ आना चाहिए बोल समय। यही यही जानकारी है। अगली की जानकारी लोग अगले वीडियो में देते हैं आपको। ठीक है भाइयों, तो चैन के बारे में आपने जान लिया। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाइयों। थैंक यू।